हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन सेब। आज हम बनाने वाले चावल पापड़। धूप में भी नहीं बैठना पड़ता है और ना बेलना पड़ता है और घर में ही फैन हवा में सूख जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कप चावल, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून जीरा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक ही बाउल ले लेंगे। बाउल में 1 कप चावल डाल देंगे। डालकर अच्छे से धुलाई करिए उसको 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। देखिए 6 घंटा हो गया है और हमारा चावल अच्छे से भीग गए हैं। अब पानी से निकाल देंगे। अब एक मिक्सी जार ले लेंगे। जार में चावल डाल देंगे। अब पानी नहीं डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए एक बार मिक्स कर लिया है, उसमें पानी नहीं डाला है, अभी पानी की जरूरत है। अब पानी डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब मिक्स कर लेंगे और फाइन पेस्ट बना देंगे। देखिए मिक्स हो गया है, मतलब फाइन पेस्ट बन गया है। देखिए थोड़ी से चेक कर लेते हैं और इतना फाइन चाहिए पापड़ के लिए। अंगूठी में ले लीजिए और देखिए कितना चिकन से मैंने पेस्ट बना दिया है। अब एक बाउल ले लेंगे, बाउल में डाल देंगे। देखिए कितना गाढ़ा भी है और जो मिक्स में लगा हुआ है ना, उसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे और उसमें मिला देंगे। देखिए पापड़ के लिए हमारा बैटर अच्छा से तैयार हो गया है, मतलब परफेक्ट है। इतना ही पतला चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं चाहिए और अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, स्वाद अनुसार नमक, सारे मसाला डाल दिया है। अब अच्छा से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स हो गया है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं, इतना ही पतला चाहिए। अब एक ही प्लेट ले लेंगे। देखिए इतना साइज के एक ही प्लेट ले लीजिए और उसमें तेल व पानी कुछ नहीं लगाना है। अब उसमें थोड़ी बैटर डालेंगे। अब स्पून में प्लेट में डाल देंगे। स्पून में डालकर अच्छे से फैला दीजिए और बेलन्स वाला निकाल दीजिए। देखिए प्लेट तैयार है। अब स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए पानी रख देंगे, उसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे और इस तरह से एक ही प्लेट रख दीजिए। अब उसके ऊपर जो प्लेट में मैंने पापड़ का जो आटा रखा था ना, रख देंगे और ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगे 20 से 40 सेकंड के लिए रख देंगे। 40 सेकंड हो गया है, अब ढक्कन निकाल देते और देखिए स्टीम हो गया है। थोड़ी ठंडी होने के लिए रख देंगे। देखिए ठंडी हो गया है, अब निकाल दिया है। सुई मदद में निकाल देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से निकाल के एक प्लेट में रख दीजिए। देखिए और एक स्टीम करने के लिए रख दिया है मैंने। अब ठंडी हो गया है, निकाल दीजिए इस तरह से। ऐसे करते करते सारे पापड़ ऐसे स्टीम करी निकाल देंगे। देखिए फैन हवा से ही सूख जाता है, धूप में नहीं बैठना पड़ता है और ना सूखना पड़ता है, फैन हवा में ही सूख जाता है। एक रात में मैंने सूखने के लिए रख दिया है। देखिए एक रात मैंने रख दिया था फैन हवा में, फिर सुबह धूप होने के बाद 2 घंटा मैंने धूप में भी रख दिया था। देखिए कितना अच्छा से सूख गया है। अब चेक करेंगे। और तेल गरम करने के लिए मैंने कढ़ाई में रख दिया था, अभी तेल गरम हो गया है। अब फ्राई कर लेंगे और देखिए कितना फूला फूला पापड़ हमारा फ्राई हो गया है। ख़राब भी नहीं होता है और 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हो। जब मन करता है तब फ्राई करी सर्व कर सकते हो। और देखिए कितना क्रिस्पी और टेस्टी पापड़ तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।